क्या लगता है कि सबसे ज्यादा रन कौन मारेगा? सबसे ज्यादा रन विराट कोहली। विराट कोहली पक्का? मैच ना करवाए? नहीं करवा लो, तसल्ली कर लो, जीतेगी इंडिया। अच्छा तसल्ली कर लो लेकिन जीतेगी इंडिया, मतलब फॉर्मेलिटी है, करानी है तो करा लो। और शुभमन गिल की क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या लगता है खेलेंगे नहीं खेलेंगे इस बार? एक तो अहमदाबाद में मैच है। बिल्कुल वही तो, वही इंडिया टीम के अलावा अगर मैं बोलूं कि कौन सी टीम फेवरेट है आपके लिए? वही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इंडिया के बाद अगर मेरी फेवरेट टीम है तो इंग्लैंड है। हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल द न्यूज़ बीट्स में। एक बार फिर से हम उतरे हैं ग्राउंड पे। इलेक्शन की कवरेज तो हम लगातार आप तक पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन इस हमने सोचा कि कंटेंट में थोड़ी वैरायटी लाने का समय आ गया है, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है वो अलग अलग एज ग्रुप के हैं। तो हमने सोचा कि इस वक्त जो मुद्दा कवर कर सकते हैं वो होगा कि वर्ल्ड कप का, जो कि 2011 में आखिरी बार इंडिया में हुआ था, और उसके बाद अब है वापसी जो भारत होस्ट कर रहा है इस बार। और अभी कुछ ही घंटे रह चुके हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के महामुकाबले के लिए। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो मैच होता है इंडिया और पाकिस्तान का, वो किसी महायुद्ध से कम नहीं होता। कहा जाता है कि अगर आप वर्ल्ड कप हार जाइए एक बार को, लेकिन पाकिस्तान से नहीं हारने चाहिए। तो इसी कड़ी में एक वीडियो हमने सोचा कि इस पर भी की जाए, वर्ल्ड कप पर लेकर लोगों की क्या राय है। तो हम मौजूद हैं इस वक्त एक पार्क में, तो हमारे साथ कुछ लड़के जो युवा हैं वो यहाँ पे कुछ खेल रहे थे, तो उनसे हमने सोचा बात की जाए। वर्ल्ड कप को लेके क्या एक्सपेक्टेशन है सबसे पहले तो इस बार? सबसे पहले एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारा देश वर्ल्ड कप लेकर आए इस बार, और ऊपर से पाकिस्तान को हराए अच्छे रनों से हराए। पक्का हरा देगी आपको लगता है? हरा देगी। कल शायद शुभमन गिल भी वापसी कर सकता है। हाँ, वो भी डेंगू से अभी सफर कर रहा है ना, तो उस कारण कल मैच का रोमांच और मजा आएगा लगता है। लेकिन शाहिद अफरीदी जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म पेसर्स के आगे रोहित शर्मा फंस रहे हैं, क्या लगता है कि कहीं फिर से कुछ बैटिंग कोलैप्स देखने को तो नहीं मिलेगा? कल कोई नहीं फंसेगा, क्योंकि शाहिद अफरीदी, हारिस शरोफ अभी फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए इंडिया को ज़्यादा मदद मिलेगी कल। इंडिया क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा रन कौन मारेगा? सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली। विराट कोहली पक्का? शायद क्यों विराट कोहली की, और भी तो लोग हैं। अगर शुभमन गिल की वापसी, बड़े मैच में ही रन मारता है वैसे विराट कोहली। अच्छा बड़े मैच, पाकिस्तान की उसकी फेवरेट टीम, पाकिस्तान फेवरेट टीम है। हाँ वैसे तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के खिलाफ भी रन उसके बहुत अच्छे खासे हैं। अच्छा अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि इंडिया के अलावा क्या लगता है कि कौन सी, इंडिया का नाम तो मुझे पता है आप जाहिर से लेंगे ही, इंडिया के अलावा कौन सी और तीन टीमें होगी जो लगता है सेमीफाइनल्स में पहुँचेंगी? साउथ अफ्रीका और एक श्रीलंका और एक न्यूजीलैंड। अभी जिस हिसाब से मैच चल रहा है उस हिसाब से तो एक इंडिया होगी और एक साउथ अफ्रीका, और न्यूजीलैंड भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और एक इंग्लैंड हो सकती है शायद, ऑस्ट्रेलिया भी हो सकती है, पर ऑस्ट्रेलिया भी अपने दो मेन मैच हार के आ रही है बुरी तरह से, उन्हें हराना पड़ेगा मेन दो टीम को, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को हराना पड़ेगा अच्छे रनों से। मेरे को तो लगता है भैया वो न्यूजीलैंड से हो सकता है। न्यूजीलैंड से? क्यों न्यूजीलैंड ही क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड हर बार परफॉर्म अच्छा करती है इंडिया के कंपैरिजन में। बाकी हमारे ऐसा तो नहीं है कि इंडिया बेकार टीम है, वो भी अच्छी टीम है। हाँ, न्यूजीलैंड का वो याद है आपको 2019 वर्ल्ड कप का जो बैटिंग कोलैप्स हुआ था? हाँ, 5 रन पे 3 विकेट गिरे थे। हाँ, उसमें वो खेलते तो अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से तो शुभम गिल जो हमारा है वो सबसे तगड़ा स्टार है इंडियन टीम के हिसाब से। लेकिन जिस तरह से अभी डेंगू से वापसी करके आ रहे, क्या लगता है पूरी तरह अगर फिट नहीं हुए, रिकवरी धीरे धीरे हालांकि हो रही है लेकिन वीकनेस हो उसके लिए बैकअप में विराट कोहली और अदर प्लेयर्स भी हैं। अच्छा विराट कोहली बैकअप संभाल लेंगे, मतलब संभाल लेंगे। मेरे को तो नहीं लगता पाकिस्तान तो जिस हिसाब से पाकिस्तान के बाबर आजम और रिजवान भी फॉर्म में चल रहे हैं, वो भी चल रहे हैं, पर जीतेगी इंडिया ही हर बार का है, जीतेगी। और अगर नहीं जीत पाई तो? नहीं जीत जाएगी, पर ज्यादा हल्के में नहीं लेने से पाकिस्तान, क्योंकि उनके बॉलर भी कभी परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि बॉलर कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं पाकिस्तान के। इंडियन टीम के अलावा कौन सी फेवरेट टीम है? इंडिया तो आपकी जाहिर सी बात होगी, इंडिया टीम के अलावा अगर मैं बोलूँ कि कौन सी टीम फेवरेट है आपके लिए? इंडिया के अलावा वही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड अच्छा करिए। आपके लिए कौन सी फेवरेट होगी? इंग्लैंड। इंडिया के बाद अगर मेरी फेवरेट टीम है तो इंग्लैंड है। देख रहे हैं सर इस बार वर्ल्ड कप? हाँ जी देख रहे हैं। कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगी। अच्छा कौन से ऐसे लगता है कि कौन सी चीज़ जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है इंडिया के लिए, बैटिंग फील्डिंग या बॉलिंग? बैटिंग भी अच्छी है और फील्डिंग भी अच्छी है और बॉलिंग भी अच्छी है। बॉलिंग में तो सारी यूनिट क्लियर है एकदम? हाँ क्लियर है। और सबसे बड़ा खतरा कौन हो सकता है, कौन सी टीम सबसे बड़ा खतरा पेश कर सकती है इंडिया टीम के लिए? कोई भी खतरा नहीं कर सकता। अच्छा कोई खतरा ही नहीं है इनके हिसाब से, तो अकेले ऐसे सीधा वर्ल्ड कप दे दे क्या? बिल्कुल दे देना चाहिए। बिल्कुल तो मैच ना करवाए? नहीं करवा लो, तसल्ली कर लो, जीतेगी इंडिया। अच्छा तसल्ली कर लो लेकिन जीतेगी इंडिया, मतलब फॉर्मेलिटी है, करानी है तो करा लो, है ना? प्रायोरिटी तो होनी चाहिए, फॉर्मेलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भैया, कुछ घंटे रह गए इंडिया पाकिस्तान मुकाबले के लिए, देखने वाले हैं? बिल्कुल, पूरी एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट है और इंडिया ही नहीं, इंडिया और पाकिस्तान ही नहीं, मतलब पूरा वर्ल्ड इंडिया पाकिस्तान जो राइवलरी है सारे सभी देखते हैं, तो बिल्कुल देखेंगे और एक्साइटेड है इस मैच को लेके काफी। बिल्कुल, कहते हैं कि महायुद्ध से कम नहीं होता इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला, है ना? हाँ बिल्कुल, ये सबसे बड़ी राइवलरी है क्रिकेट की,
और मैच भी इनके काफ़ी अच्छे रहते हैं। अच्छा, कौन सबसे बड़ा थ्रेट शामिल आपके हिसाब से साबित हो सकता है इंडियन टीम के लिए पाकिस्तान से? मेरे हिसाब से शादाब खान। शादाब खान, लेकिन वो अभी मतलब हाल में ज़्यादा अच्छी फॉर्म में चल नहीं रहे हैं। जब इंडिया से लास्ट मुकाबला हुआ था एशिया कप में, तब भी मतलब ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। लगता है मुझे वो एक्सपेक्टर रहेगा और थोड़ा इंडिया के लिए टफ हो सकता है उसे खेलना है। मतलब एक तो ऑलराउंडर है वैसे भी, तो बैट से भी अच्छा करता है, बॉल से भी अच्छा करता है, तो शादाब खान पे थोड़ा नजरें रहेंगी। और शुभमन गिल की क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या लगता है खेलेंगे नहीं खेलेंगे इस बार? एक तो अहमदाबाद में मैच है, बिल्कुल वही तो वही अगर रिकवर कर गया, वैसे तो 80% कर चुका था रिकवर, 70-80% अभी दो दिन पहले, तो जहाँ तक है वो खेलेगा ही खेलेगा कल का मैच। अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं तो शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है कि शुभमन गिल है और अहमदाबाद का स्टेडियम है, तो शुभमन गिल का क्या रिकॉर्ड है वो बताने की जरूरत नहीं। अच्छा, इंडियन टीम के आपको क्या लगता है कि अगर इंडियन टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है तो कौन सी टीम होगी जो सबसे बड़ा थ्रेट साबित हो सकती है टीम के लिए, इंडियन टीम के लिए? इंडियन टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है इसमें न्यूजीलैंड कहना चाहूंगा, अभी अच्छी फॉर्म में भी, और पहले मेरे ख्याल से दो बार पहले इनको नॉकआउट भी कर चुकी है न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड कप 2019 में। हाँ जी, सेमीफाइनल में। और क्या कहते हैं, तो और मेरे ख्याल से WTC फाइनल में भी हारे थे, बिल्कुल। तो न्यूजीलैंड ही अगर सेमीफाइनल में, अगर सेमीफाइनल या फाइनल जो भी रहता है, न्यूजीलैंड से भिड़ंत होती है अगर इंडिया की, तो वो टफ रहेगा, थोड़ा टफ रहेगा। हाँ ठीक है, और आपको क्या लगता है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहेगा इस बार? चाहता तो मैं हूँ विराट कोहली रहे। विराट कोहली, हाँ, और लगता भी है कि रहेगा, बाकी आगे देखो। अच्छा, जिस तरह से अब तो थोड़ा रोहित शर्मा भी फॉर्म में आ गए हैं, जिस तरह से पिछले मैच में परफॉर्म किया है ना। हाँ, रोहित शर्मा मतलब कंसिस्टेंसी देखी जाए तो कंसिस्टेंसी विराट कोहली पे ही है। रोहित शर्मा ये है कि हाँ खेलता है तो फिर एक आधा बड़ी इनिंग तो मतलब मार सकता है, 2-3 शतक मार सकता है, तो मतलब कंसिस्टेंसी नहीं नज़र आती वहाँ पे। और आप विराट कोहली को देखोगे तो उसका कह सकते हैं कि हाँ भाई इस बार रह सकता है। तो इस बार पक्का इंडिया में ही रहने वाला वर्ल्ड कप, मतलब इंडिया घर में ही रहेगा? पक्का तो नहीं कह सकते, हाँ बट 90% कहेंगे कि इंडिया रहेगा। भी कुछ घंटे रह गए इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए, जी, 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 देखने वाले हो? जी जी। छुट्टी ले रखी है क्या? जी छुट्टी नहीं, हम लोग पढ़ाई करते हैं ना। अच्छा, पढ़ाई करते हैं, तो उस दिन पढ़ाई नहीं होगी मतलब? नहीं नहीं, कल तो बैठ जाना है। बेस्ट प्लेयर कौन रहेगा मैच में, क्या लगता है? बेस्ट प्लेयर तो हमारा कोहली ही है। हमारा कोहली है बस। अच्छा, जिनसे पूछ रहा सब कोहली का नाम दे रहे हैं, बाकी प्लेयर्स मतलब खास परफॉर्म नहीं कर रहे इस वक्त? नहीं कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। केएल राहुल भी है, रोहित तो खेल ही रहे हैं। केएल राहुल तो जब से इंजरी से रिकवर करके आए हैं बहुत बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं जी। पाकिस्तान टीम से सबसे बड़ा थ्रेट कौन होगा, क्या लगता है इंडियन टीम के लिए? पाकिस्तान से तो सबसे बड़ा वो हमको लग रहा है हैरिस रऊफ होगा। हैरिस रऊफ जी। और शाहीन अफरीदी? नहीं, शाहीन अफरीदी पिछले कुछ समय से बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन क्रिकेट है, क्या हो जाए। लेकिन लेफ्ट आर्म से जब वो इन स्विंग डालते हैं रोहित शर्मा को, नहीं वो तो परेशानी करेंगे ही, कितने बार भी किए भी हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। कल मैच देखने में मजा आएगा। और इंडिया के अलावा और कौन सी टीम लगता है जो सेमीफाइनल्स में पहुंचेगी आगे? इंडिया के अलावा न्यूजीलैंड लगती है हमको, और न्यूजीलैंड, और उसके बाद साउथ अफ्रीका इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया नहीं लगती? नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो अभी बहुत पीछे है। इतनी टाइम मतलब चैंपियन बन चुकी है, आपको क्या लगता है मतलब कोई चांसेस नहीं अब आने के? कहते हैं कि वो हारने के बाद कमबैक अच्छा करती है। नहीं है, चांस है, लेकिन अब पॉइंट टेबल में सबसे लास्ट, शायद सेकंड लास्ट है, तो उसके बाद अब इतना बैकअप करना बहुत बड़ी बात होती है, मुश्किल होगा। अब उसको लगभग 7 मैच बचे हैं, 7 में 6 तो जीतना ही होगा, तो 6 जीतना तो इतने वो बात है नहीं। अभी इंग्लैंड से पड़ा है मैच उसका, न्यूजीलैंड से पड़ा है, तो अच्छा क्या बदला है पहले के टाइम में और आज के टाइम में मैच देखने में, कितना बदला कुछ इमोशनली कितना है और वैसे कितना है? मतलब पहले के टाइम ज़्यादा मज़ा आता था कि अभी ज़्यादा आता है? पहले भी आता था, लेकिन अब और ज़्यादा आता है, क्योंकि अब इमोशनली ज़्यादा जुड़ गए हैं, खासकर प्लेयर से, तो वही होता है थोड़ा सा। चलिए, इस मैच में बुमराह भी अच्छा परफॉर्म करेंगे एक्सपेक्टर साबित हो सकते हैं टीम के। बुमराह अच्छे।